एक शाही ताज की तरह दिखाई देने वाली यह खूबसूरत इमारत कर्नाटक के बिदर शहर के इतिहास में एक विशेष जगह रखती है। मगर क्या आप सोच सकते हैं कि यह भव्य संरचना एक सूफी संत का मजार है? जी हाँ, ये हजरत खलीलुल्लाह का मजार है जो चौखंडी के नाम से जाना जाता है। बिदर के बहमनी सुल्तानों के लिए ईरान के ये संत खास अहमियत रखते थे। चौखंडी आज भी बीते समय में बिदर के साथ सूफियों के संबंध और सुल्तानों की धरोहर की एक महत्वपूर्ण निशानी है। हालांकि बिदर को उसके शानदार किले और उसी से जुड़ी अद्भुत बिदरी कला के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ बहमनी सुल्तानों के समय के कई ऐतिहासिक स्मारक और उनके अवशेष मौजूद हैं। बहमनी सुल्तान दखन के पहले इस्लामी शासक थे जिन्होंने 15वीं शताब्दी में बिदर को अपनी राजधानी बनाया। उनकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में हुई और बिदर से पहले दौलताबाद और गुलबर्गा शहर उनकी राजधानी रहे। सन 1430 में अहमद शाह बहमनी प्रथम के शासन के दौरान बिदर बहमनी सुल्तानों की राजधानी बना और सन 1520 में उनके पतन तक उनकी सत्ता का केंद्र रहा। बहमनी सुल्तानों की सूफी संतों के साथ एक गहरा रिश्ता था और अहमद शाह ने इस परंपरा को जारी रखा। बहमनी सुल्तान चिश्ती संत हजरत ख्वाजा बंदे नवाज गेसु दराज को मानते थे, जिनकी दरगाह आज भी गुलबर्गा में जियारत के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है। अहमद शाह भी गेसु दराज के मुरीद थे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अहमद शाह को खुद को भी एक संत का दर्जा हासिल था और आज भी लोग उनके मकबरे को एक पूजनीय स्थान मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गेसु दराज की मृत्यु के बाद अहमद शाह ने ईरान के किरमान के शाह नेमत उल्ला वली को बिदर में आकर बसने के लिए आमंत्रित किया था, मगर वो खुद नहीं आ सके और उनके बेटे संत खलीलुल्लाह शाह सन 1431 के आसपास बिदर आए और यहीं बस गए। पंद्रहवीं शताब्दी में आज के बिदर शहर से करीब 4 किलोमीटर दूर अश्तूर गांव में संत खलीलुल्लाह शाह का ये मजार बना, जिसे अब चौखंडी कहा जाता है। चौखंडी हिंदी के दो शब्द चौ यानी चार और खंड यानी हिस्से या मंजिल से मिलकर बना है। इस परिसर में जाने के लिए एक विशाल प्रवेश द्वार है। चौखंडी के मुख्य हिस्से में 3 और गलियारों में कई अन्य कब्रें हैं। यहाँ शाह खलीलुल्लाह, उनके शिष्य और उत्तराधिकारी दफन हैं। चौखंडी को एक अष्टकोणीय संरचना में बनाया गया है। इसे बहमनी काल की सर्वश्रेष्ठ इमारतों में से एक माना जाता है और यहाँ की वास्तुकला और शिल्पकारी देखने लायक है। हालांकि ये अब अपने अधिकांश ऐतिहासिक वैभव से वंचित है, लेकिन उसकी आलीशान मेहराबे, सुंदर नक्काशी और शानदार सुलेख और टाइल का काम बहमनी वास्तुकला की हुनरमंदी को दर्शाता है। इसके कुछ ही दूर बहमनी सुल्तानों के भव्य मकबरे भी मौजूद हैं। 15वीं शताब्दी की ये सुंदर इमारत चौखंडी आज भी हमें बहमनी सुल्तानों और उनकी सूफी परंपराओं की एक झलक दिखाती है।